अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुमन, प्रभुदयाल चाय बनाने गए हैं, जाकर तुम बना दो ना। वो क्यों चाय बना रहे हैं? हम आ ही रहे थे ना। हम अभी आते। छुटकी, तू क्यों मुंह लटकाए है? क्या हुआ छुटकी? वो पापा, मुझे गणित की परीक्षा में कम अंक आए हैं। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है? संभालना तो चूल्हा चौका ही है ना। जितना पढ़ना था पढ़ ले, कल से तेरा पाठशाला जाना बंद। घर का काम काज दे। प्रभु, छुटकी के लिए अच्छा सा रिश्ता देखना शुरू कर दे। लड़की के हाथ पीले करने हैं कि नहीं? ये आप क्या कह रही हैं दादी जी? अभी छुटकी की उम्र शादी की है क्या? जब मैं ब्याह कर आई थी इस घर में, इससे भी छोटी थी। तब की बात कुछ और थी दादी जी, लेकिन अब जमाना बदल गया है। लोग शिक्षा का महत्व जानते हैं। आज के जमाने में अनपढ़ रहना बहुत बड़ा अभिशाप है, और लोगों को इस अभिशाप से बचाने के लिए सरकार मुफ्त में शिक्षा दे रही है। चाय में चीनी कितनी ज्यादा है, और तू मुझे दुनियादारी मत सिखा। सुमन बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, आजकल के जमाने में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी, और पढ़ाई से ना जीवन में रोशनी आती है। सुमन, मैं तो गोलू और छुटकी को खूब पढ़ाऊंगा और इन्हें बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। हाँ, आज से गोलू और छुटकी को हम पढ़ाएंगे, उन्हें हर विषय में अच्छे अंक आएंगे। लेकिन आज बस अभी छुटकी को माफ कर दीजिए। सुमन, मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ इन दोनों को नहीं बल्कि इनकी पूरी पाठशाला को पढ़ाओ। बोलो, आना है कल से? हम कुछ समझे नहीं। सुमन, प्रभुदयाल ने एक पाठशाला में तुम्हारे पढ़ाने की बात कर ली है, जहां तुम्हें कल से पढ़ाने जाना है। दीदी, हमारी टीचर बन जाएगी, खूब मजा आएगा। हाँ सुमन, कल का सूरज तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश लेकर आएगा और हर तरह के अंधकार को दूर कर देगा। छुटकी, जल्दी से जाकर अपना बैग लेकर आओ, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। सुमन, पाठशाला में तुम्हारे पहले दिन के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद चाचा जी। हम पढ़ा तो पाएंगे ना पाठशाला में? क्यों नहीं पढ़ा लोगी? मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ाओगी। बेटा, अभी तो मुझे काम है, मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ। चाचा जी, मेरे पास बैठो। अरे अरे, ठीक है प्रभु, मैं मिलता हूँ शाम। ठीक है, ध्यान रखना अपना। अरे सुमन, ये रख लो। ये क्या है? खोल कर देख लो। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है इसीलिए दे रहा हूँ। अध्यापिका के पास बैग नहीं होगा तो किसके पास होगा फिर? इसमें तुम अपनी पुस्तकें, पेंसिल और छोटी मोटी काम की चीजें रख लेना। नहीं, हम इसे नहीं ले जा सकते। अगर देव तुम्हें ये बैग देता तो तुम मना करती?
अरे जैसे वो तुम्हारे चाचा जी हैं, वैसे मैं भी तो तुम्हारा कुछ लगता हूँ। लेकिन देखो सुमन, अब अगर तुम मना करोगी ना तो फिर मुझे दुख होगा। हाँ दीदी, स्कूल के लिए देरी हो रही है। चलो धन्यवाद चाचा जी। मम्मी आप मेरी आरती क्यों उतारी है? तू आज पहले दिन स्कूल जा रहा है ना, इसलिए तेरी आरती उतार रही हूँ। और दही शक्कर भी खिलाते हैं। चॉकलेट नहीं खिलाते? चॉकलेट भी खिलाते हैं, लेकिन स्कूल से आने के बाद। अब जल्दी से अपने मामा जी के साथ स्कूल जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। अरे कहाँ जा रहे हो? मामा जी आज मेरे स्कूल का पहला दिन है, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए ना। मम्मी कहती है आप भगवान के पास चले गए हो, जल्दी से आ जाओ ना मामा जी। अच्छा मैं जाता हूँ, मुझे नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। मामा जी चलिए, देर हो जाएगी। ऐसे कैसे देर हो जाएगी, मैं पहुंचाऊंगा ना तुम्हें टाइम पे। चलो टाटा कर दो सबको। चल एक बार जाकर तो देखो टीकू, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं मुझे घर जाना। तू बहुत अच्छी स्कूल है, तुम जाओ, तुम्हारे दोस्त बनेंगे नए। देखो ये सब तुम्हारे दोस्त हैं, इनके साथ खेलना नहीं है तुमको। स्कूल जाके देखो, ये बहुत अच्छी स्कूल है। अरे बच्चा रो क्यों रहा है? इसका स्कूल का पहला दिन है ना, तो माहौल देखकर थोड़ा घबरा गया। एक काम करिए, आप जाइए, मैं इसको अंदर लेकर जाती हूँ। टीकू टीचर के साथ जाके देखो, अंदर बहुत अच्छा लगेगा। अरे अंदर जाके देखो। मम्मी मम्मी मुझे घर ले चलिए ना। अरे टीकू मम्मी मुझे घर जाना। रो मत टीकू, जैसे स्कूल की छुट्टी हो जाएगी घर चले जाना। गोलू छुटके तुम दोनों क्लासरूम में जाओ, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। जी दीदी। सुनिए जी, आपका बच्चा तो चुप ही नहीं हो रहा। ओहो क्या करें, आप थोड़ी देर और रुक जाइए, उसे बहलाने की कोशिश कीजिए। ठीक बस।